अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस ये देखो यहाँ पे है हमारे जो दो नए जोड़ लाया था मैंने, ये इस जोड़ तो सिर्फ एक ही लाया था मैंने कबूतर, तो इसके साथ जोड़ लगाने के लिए लाया था। तो इसको मैंने कल से बंद रखा हूँ लेकिन अभी तक भाई ये जोड़ लगा नहीं पाए हैं दोनों। तो मैं बोला तलहा को खोल दो इन लोगों को, अकेले थोड़ा बाहर अकेले घूमेंगे। ये देखो भाई, और ये इतनी तेज़ है ना, हाथ में ही नहीं आ रहे। ये देखो इन दोनों को ना एक साथ रखना चाह रहे पर ये रह रहे नहीं है एक साथ। देखो फिर वहाँ चले गए दोनों। तलहा एक काम करो, अभी सभी कबूतरों को खोल दो जल्दी जल्दी से, जाओ। नहीं नहीं खोला रहने दो, सिर्फ इसको मत खोलो, इसको लास्ट में खोलेंगे अपन। फिलहाल खाली इसको खोल दो अभी सबको। देखो गाइस ये इतनी मतलब वो है कि हाथ में ही नहीं आ रही है, कुछ भी कर लो हाथ में नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं, सारे के सारे कबूतरों को हम लोग खोलते हैं सबसे पहले। नवी जोड़ी को बंद करने का भाई, क्यों? बच्चे वाली है ना, इसको बच्चों को खाना खिलाना रहता है। अच्छा एक काम करो, हाँ वैसे भी नवे वाले बहुत टाइम से खुले हुए। देखो प्याज भी लगी रहेगी यार इन लोगों को, देखो सब पीने के लिए आ रहे। सब पहले नवे वालों को बंद कर दो, उसको पहले बंद करो, इसको खुली रहने दो, इसको खुली रहने दो। देखो मैंने इसे पकड़ लिया हूँ, और ये जो है ना इसकी ऑलरेडी जोड़ लगी हुई थी वो हमारे वहाँ पे जो मादी है उसके साथ में। तो इसको अभी मैं सबसे पहले बंद करता हूँ यहाँ पे, और फिर हमारी वो वाली मादी को खोलता हूँ मैं, क्योंकि अगर ये उस मादी को देखेगा तो फिर उसके पीछे जाके घुटकेगा, तो इसीलिए मैं इसको खोल नहीं रहा था। अभी देखो मैं इसको पहले खोलता हूँ मादी को, ये भी निकलेगी यहाँ से, थोड़ा बच्चा है अंदर तो खाना पीना खिलाएगी बच्चे को। बाकी गाइज हमारे देखो यहाँ पे ये वाले कबूतर भी खुले हैं कि नहीं देख लेता हूँ एक बार मैं। ये देखो ये भी नहीं खुले हुए, इसको भी तलहा खोलना भूल गया था, आओ आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे हमारे दोनों शिराजी के बच्चे, तो ये भी भाई बाहर आ नहीं रहे अभी, जब इनको आना रहेगा तो आ जाएंगे, मैंने तो खोल के रख दिया है। और यहाँ पे है हमारे मकवो के बच्चे, तो इनको भी खोल देता हूँ मैं। तो जब सब आ गए हैं बाहर तो ये भी आ ही जाएंगे। बाकी देखो गाइस कबूतर आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कम कम लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई सब अपने अपने घरों में अंडे दिए हुए, बच्चे निकलने वाले हैं उनके, तो इसीलिए सब अंदर बैठे हुए घर में। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये वापस, ये ऊपर बच्चा है और ये वापस से इसने फिर से अंडा दे दिए, ये इसका ही बच्चा ऊपर वाला। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा ये वाला नर भी अंदर अंडे पे बैठा हुआ है, और बाकी देखो यहाँ पे एक फीमेल है, ये मकवी, ये भी अंडे पे है। यहाँ पे शिराजी जो है हमारी फीमेल शिराजी, वो भी अंडे पे बैठी हुई है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये देखो वही तो बोलूँ मैं, कुछ तो मिसिंग है, ये वाली हमारी हम लोगों ने खोले ही नहीं है, तो इसको भी खोल देते हैं हम लोग जल्दी से। ये देखो भाई ये लोग भी देखो अंडे पे आने वाले हैं, कैसा मुंह में डांडी लेके खड़ा हुआ था, देखो लकड़ी घोंसला बनाने के लिए, देखो अभी भी खड़ा ही हुआ है, नीचे रखा डांडी। तो मैं अभी हट जाता हूँ और ये बाहर आएंगे अपने आप ही, और आके थोड़ा दाना पानी खा लेंगे, इनका पेट थोड़ा भर जाएगा, उसके बाद फिर इन लोगों को बंद करूँगा। अभी फिलहाल कुछ घंटों के लिए मैं इन सभी को खुला ही रख रहा हूँ, क्योंकि भाई गर्म बहुत ज़्यादा है, प्याज भी लगी होगी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की, तो इसलिए अभी इन सभी को देखो खोल के मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, अपने आप ये घूमेंगे थोड़ा खाएंगे पिएंगे। आ गए देखो यहाँ पे हमारे दोनों शिराजी बाहर से। यार गर्मी तो सच में हो रही है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कबूतर कितना प्यासा है, पानी के उस पर ही खड़ा हुआ है, कब से काफ़ी देर से पी रहा है पानी। और यहाँ पे हमारा ये जल्लाद वाला कबूतर, ये क्यों नहीं हिल रहा है पता नहीं, यहीं पर बैठा हुआ है, इसे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, ये इतना डेंजर है ना, इसके पास भी जाओ ना तो ये काटने लगता है, तो इसीलिए मैं तो भाई इसके पास जाता नहीं हूँ, इसको तलहा ही संभालता है, तलहा ही सब इसकी देखरेख करता है। और देखो यहाँ पे, और तलहा अभी है नहीं, तलहा चले गया है अंदर क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और आप मुझे देख सकते हो पूरा पसीने में भीग रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा पतरे है, तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हीट आती है, और बहुत ज़्यादा जानवरों को भी ऐसा ना डिहाइड्रेशन होता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन लोग भी बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने अभी सभी को खोल दिया। अभी देखो एक एक करके सब बाहर आ रहे और सब अपना अपना खा पी के फिर वापस से अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। जा गया हूँ मैं बाहर, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अपने ये जो है मुर्गियों को दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये हमारी ब्रह्मा, इसकी भी साइज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। ये कोको है हमारा जैपनीज ब्लैक टेल बैंटम, और यहाँ पे है हमारे पास हमारे असील। ये देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छे मतलब असील है, इसकी साइज़ भी अच्छी खासी बड़ी हो रही है। और एक और चीज़, इसके पैरों पे मार्किंग आप चेक कर सकते हो, ये देखो इसके पैरों पे मार्किंग चेक करो, ब्लैक एंड वाइट मार्किंग आ रही है। ये शायद मुझे लगता है ये तीनों मुर्गी है, और ये वाइट वाला जो है ना, ये वाला, तो ये वाला ना शायद मुर्गा है अकेला, तो इन तीनों के, तीन मुर्गी और एक मुर्गा शायद निकलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे दोनों जो मतलब छोटे छोटे मैंने चूजे लाया था, काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये भी बहुत अच्छे से अंडे भी देने लग गए हैं,
और यहाँ है हमारी सिल्की। तो सिल्की ना गाइज, असल में ये वाइट वाली जो है ना ये फीमेल है और ब्लैक वाला मेल है। तो वाइट वाली जो फीमेल है ना, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना, मतलब इसको हीटिंग की प्रॉब्लम हो गई है गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो देखो ये कैसा लड़खड़ा रही है, मतलब ज़्यादा पानी पी ली थी इसने, तो इस वजह से देखो कैसा ऊपर नीचे हो रही है, बैठ चल फिर नहीं पा रही ज़्यादा, एक एक जगह बैठ जा रही है आराम से। बाकी ये वाला अच्छा से हेल्दी है, बस ये वाली की जो है इसको थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको भी मैंने दवाई ववाई दिया हूँ, बाकी पानी वानी इसको मैंने कम ही रखा हो, अभी पानी ज़्यादा पिला नहीं रहा हूँ मैं, वरना हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर जात की मुर्गी है ये। बाकी यहाँ देखो अभी सभी की सभी भाई आराम से अपने अपने पानी में, ज़्यादा नहीं रखा हूँ इन लोगों को, जैसे कि दिख रहा होगा आपको खाली खाली पड़ा हुआ है नीचे, पानी है नहीं इसके अंदर। तो अभी चलते हैं हम लोग हमारे मास्टर केज के अंदर, देखते हैं हमारे जानवरों का क्या हाल है। देखो भाई अपना ना सबने खा पी के ना अपनी अपनी जगह जाके बैठ चुके हैं, वो देखो वहाँ पे ऊपर बैठा है वहाँ शिराजी, वहाँ अभी असल में थोड़े टाइम में धूप आने वाली है उस वहाँ पे, तो सब लोग वहाँ पहले जाके बैठ गए धूप खा सेकने के लिए। बाकी गाइज देखो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अभी देखो सभी के सभी यहाँ पे खुले हुए, आज के ब्लॉग को बस यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वैसे वो जो नवी जोड़ी है उसकी जोड़ अभी तक लगी नहीं है, तो देखता हूँ कितना टाइम लगेगा उसकी जोड़ लगने। ये देखो भाई अब इसके साथ आके बैठ रही है ये, तो इसको ना हम लोग वापस से बंद कर देंगे उसी के साथ में, ताकि इसकी जोड़ लग सके। अब तक इसकी जोड़ लगी नहीं है, मैंने कल ही लाया था, अभी जोड़ जैसी लगती है मैं आके आगे वाली वीडियो में आपको अपडेट देते रहूँगा। तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।